उन दिनों की बात है जब फिल्मिस्तान की रीडिंग शुरू हुई थी और मैं फिल्मिस्तान एज एन एक्टर कर रहा था और शारिब ने वो लिखी थी, तो मैं रीडिंग पे जाता था तब इनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी एज ए राइटर ऑफ द फिल्म। तो राइटर, मैं खुद एक राइटर था उन दिनों भी, लिख रहा था और एक्टिंग में धीरे से मूव कर रहा था। तो एक राइटर के लिए जो रेस्पेक्ट होना चाहिए वही जेन्युइन रेस्पेक्ट था। तो पहला एसोसिएशन ये था कि ये राइटर है, मैं भी एक राइटर हूँ, तो थोड़े नज़दीक आए। फिर दूसरा अपने एक बैकग्राउंड के, हाँ हम भी मैं भी लगभग एक सिमिलर से फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, ये भी उसी बैकग्राउंड से, तो वो दूसरा कनेक्शन। तो और फिर धीरे धीरे खुले तो पता लगा इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी लगभग मेरे ही जैसा है, मतलब वाहियात पीजे वाला जैसे वाहियात ह्यूमर को मैं इन्जॉय करता हूँ ये भी इन्जॉय करते हैं। तो ये और एक प्लेटफॉर्म, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें एक्सप्लोर होती चली गई, तो हम दोनों नजदीक होते गए क्योंकि आपके बीच में कॉमन चीजें होनी जरूरी हैं जो आपको और ज्यादा नजदीक लाती है। और तो की शूट के दौरान हम और ज्यादा धीरे धीरे इतना नजदीक आ गए, इतना नजदीक आ गए कि लोग फिल्मिस्तान लीनियर शूट हुई थी, मतलब सीन वन सीन टू सीन थ्री, तो हम जिस तरीके से शूट पर ही हमारा ज्यादा मुलाकात, पहली मुलाकात जो एक तरीके से शूट पर असलियत में हमारी मुलाकात पहले हुई, तो उस वक्त जिस तरीके से हम सीन्स शूट कर रहे थे जैसे फिल्म में हमारी केमिस्ट्री बढ़ रही थी, वैसे असली जिंदगी में भी हमारी केमिस्ट्री। तो मैं जो बात कर रहा था कि हम वही सब कर, इतना नजदीक आ गए, इतना नजदीक आ गए कि हमें एक दूसरे को बीच बीच में कहना पड़ता चल दूर है। तो इतना इसलिए क्योंकि हमारी बीवियां घबरा गई हैं, लोग हमको बोलते रहते हैं कि भाई आपकी जोड़ी सलामत है, ये कोई कॉम्प्लीमेंट है हमें देने का, हम क्या तुम्हारी चूड़ियां चुरा के भागे। अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढने के लिए इतना गैप इसलिए आता है कि हमारे देश में बेसिकली राइटर्स तो बहुत हैं, उनके पास आइडियाज की कमी नहीं है, उनके पास अच्छी अच्छी कहानियां हैं भरी पड़ी है, लेकिन जब उसको एक स्क्रिप्ट में ढालने का क्राफ्ट की बात जब हम करते हैं तो वहां पे मात खा जाते हैं। तो आप मैं ऐसी बहुत सारी फिल्में आप देखी होंगी कि जिनका आइडियाज तो बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूशन या स्क्रीन पे खराब था। तो उसका रीजन है कि हमारे यहाँ क्योंकि कहानी होना एक आर्ट है और स्क्रीन प्ले में ढालना एक क्राफ्ट है, तो हमारे यहाँ क्राफ्ट की ट्रेनिंग की कमी है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो राइटर्स को ट्रेन कर सके कि हाँ ये क्राफ्ट होना चाहिए, जैसे या स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग के कुछ इंस्टीट्यूट नहीं है जो पढ़ के बता सके हाँ ये स्क्रिप्ट में वर्क करेगा या नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ घूम फिर के एक साइंस होती है और उसमें इतना पता रहता है कि वर्क करेगा नहीं करेगा। तो ऊपर वाले ने ये थोड़ी सी समझ मुझे दी है एज ए राइटर कि पढ़ के मुझे समझ में आ जाता है कि ये वर्क करेगी या नहीं करेगी, ये अच्छी है या ख़राब है। तो जितनी भी आती हैं उसमें से मुझे पर्सनली पसंद नहीं आती, तो इक्का दुक्का जो पसंद आती है वो मैं करता हूँ, इसीलिए मेरे काम में इतना गैप आता है। मुझे मेरे हिसाब से तो मुझे टाइपकास्ट एक्चुअली नहीं किया गया है फिल्मिस्तान के बाद, क्योंकि एक ज़्यादा अभी तो फिल्में ही बहुत कम रिलीज़ हुई हैं उसके बाद, और जो भी मैंने की हैं जो अभी रिलीज़ होनी है वो उनमें मैं बिल्कुल अलग, एक एकदम डार्क थ्रिलर है जिसमें मैं एक लॉयर का कैरेक्टर प्ले कर, एक इमोशनल ड्रामा है जिसमें मैं एक घर में जो दाई होती है मेल दाई जो बच्चे की देखरेख करती है वैसा एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो और एक जो है जिसमें मैं PhD कर रहा हूँ फाइन आर्ट्स में, तो सारे कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स हैं, बस बाहर आने की देर है। इनफैक्ट इवन इन नक्काश में भी मैंने बिल्कुल जो फिल्मिस्तान में किया उससे बिल्कुल अलग, शुरुआत जब आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि हाँ ये भी वही थोड़ा मस्खरी करने वाला बंदा है, पर आगे जब आप फिल्म देखेंगे तो। और ये कॉन्शियस एफर्ट रहता है मेरा भी और शारिब का भी कि जो हम कर चुके हैं वो रिपीट ना करें, उससे अलग और उससे बेहतर कुछ करने की कोशिश करें। डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आया है, और लेकिन मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि ऑडियंस कभी बेवकूफ नहीं थी, ऑडियंस को हमें देने की जरूरत है कि ये एक अलग तरह का सिनेमा हम देते हैं तो वो एक्सेप्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि ऑडियंस जाग गई है, कोई सोई हुई थोड़ा ही थी, तुम लोग वहाँ तक पहुँचाते ही नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी फिल्में हैं जो इस फिल्मिस्तान जैसी मान लो या नक्काश जैसी, ऐसी बहुत सारी फिल्में छोटे शहर तक जाती नहीं, जा नहीं पाती, वहाँ रिलीज नहीं होती। आपने क्या पैरामीटर्स बना लिए कि ये फिल्में बड़े शहर में चलेंगी सिर्फ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बड़े शहरों में जो आवाम है जो रह रहा है वो क्या सिर्फ बड़े शहर में पैदा हुआ था? कोई भी बड़ा शहर छोटे शहर की भीड़ से बड़ा शहर बनता है। वो लोग जब आपकी फिल्म को बड़े शहर में अप्रिशिएट कर रहे हैं समझ रहे हैं तो वो वहाँ क्यों नहीं कर सकते? आदमी तो वही है, छुट्टियों में तो वहीं जाता है, वो अपने घर ही जाता है। तो ये सोच एक बदलने की ज़रूरत है छोटे शहर बड़े शहर वाले की, क्योंकि हमारे देश में मतलब जो भी देखा जाए तो एक इक्वल लेवल पे तो है, बड़े शहर में फैसिलिटीज थोड़ी अलग है लेकिन लोग
छोटे शहरों से आए हैं, तो मेरी कोशिश गुजारिश ये रहेगी कि छोटे शहरों में भी इस तरह की फिल्में रिलीज हों, ताकि किसी को एक अच्छा सिनेमा देखने के अधिकार से वंचित न किया जाए। नंबर वन बात। नंबर टू बात, शारी बोले। नंबर टू बात, मुझे लगता है कि ये जो सेग्रीगेशन किया जाता है कि मेन स्ट्रीम, कमर्शियल, आर्ट हाउस, ये सारी चीजें धीरे धीरे मिटनी चाहिए। मतलब उस तरफ काम शुरू हो गया है, पर लेकिन उसको और तेजी से उस तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि मतलब बधाई हो स्त्री ऐसी सिर्फ गिनती की फिल्में ना रहे, जबकि टॉप 10 में सिर्फ ऐसी फिल्में मतलब का शुमार हो ऐसी फिल्में, तब जाके होगा कि हाँ भाई कंटेंट सही में लोग देख रहे हैं। जैसे कि आपने कहा था कि एक अच्छा कंटेंट लोग अप्रिशिएट करने लगे हैं, तो ये भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि अच्छे कंटेंट वाली एक अच्छे इंटेंशंस के साथ बनाई हुई एक अच्छी फिल्म है, एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी जो एक मुस्लिम है और हिंदू मंदिर में जाके नक्काशी का काम करता है, फिर आज के सामाजिक माहौल में उसको किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, उस ताने बाने की एक कहानी है जो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बनी है। आप ज़रूर देखिए, आपको पसंद आएगी, ये मेरा वादा है, और पसंद नहीं आई तो शारीबाश में पैसे वापस दें। हाँ, और आप मुझे वापस दें। एक साथ दे साथ 31 मई को रिलीज हो रही है, प्लीज देखिए। और अगर आप गारंटी दे रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो मैं पैसे भी दे दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज सिनेमा हॉल तक जाइए, बहुत जरूरत है हमें आपके सपोर्ट की। Please. ऐसा सिनेमा आगे बढ़ेगा तो दूसरी फिल्मों को भी जो इस तरह बढ़ावा। देखिए, दोनों फिल्मों की का थीम भले शायद सेम हो, पर कहानियां, ट्रीटमेंट, कैरेक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। उसमें जो मुख्य किरदार है वो ऋषि कपूर जी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर एक स्कल्प्टर जो है नक्काश कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो इनामुल हक ने निभाया, जिसका नाम है अल्लाह रखा। तो वो कैरेक्टर्स ही बिल्कुल मेरा जैसा कैरेक्टर आपको मुल्क में नहीं मिलेगा, जो समत जो मैंने प्ले किया है। तो मेरे हिसाब से उनकी तुलना करना थोड़ा सा अजीब होगा। हाँ, थीम शायद हो सकता है कि सिमिलर हो, पर हमने सिमिलर थीम्स पे, जैसे कि हमने कहा है कि थीम क्या, हम तो कहानियाँ भी हमने सेम देखी। हम दोनों ही काफ़ी एक्टिवली मतलब वेब सीरीज़ में इन्वॉल्व हैं अभी। मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ जो कि अमेजोन प्राइम पर आने वाली है, द फैमिली मैन, जिसका नाम है राजेंद्र डी के, उसके डायरेक्टर हैं मनोज वाजपेयी सर हैं, मैं हूँ, शरद केलकर, प्रिया मनी और भी काफ़ी एक्टर्स हैं, और एक और है असूरा नाम का जो वूट पर आएगा, जिसमें अर्शद वारसी जी हैं, वरुण सोपती, अनुप्रिया गर्ग, और दोनों बहुत कमाल की सीरीज़ हैं। मैं कर रहा हूँ हंसमुख, निखिल अडवाणी जी और अप्लॉज एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो शायद नेटफ्लिक्स पे आएगा। एक है क्लेवर हेड फोटो प्ले, एक यूएस बेस्ड कंपनी है, उसका एक सीरीज़ है स्क्रूड अप, वो भी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आएगा। तो आपका सवाल के साथ ही उसके सवाल का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, शोज़ देखिए OTT पे, बहुत अच्छी बात है, मैं भी देखता हूँ, लेकिन फिल्म अगर सिनेमा हॉल में लगी है तो थोड़ी सी जहमत उठा के वहाँ तक जाइए, सिनेमा हॉल में फिल्म देखिए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, आपने कितना भी अच्छा बड़ा TV लगवा लिया, बड़ा साउंड सिस्टम कर दिया, लेकिन वो मज़ा जो कलेक्टिव ऑडियंस का आता है, वो घर पे फिल्म देखने का मज़ा नहीं आता। सिनेमा हॉल में जाइए, किल पायरेसी एंड डोंट वेट फॉर दिस फिल्म टू कम टू OTT प्लेटफॉर्म। बी नहीं, बिल्कुल सिनेमा देखिए, सिनेमा में जाकर देखिए, क्योंकि खास ऐसा कब होता है जब हम किसी अनजान आदमी के साथ, जिस जो हमारे बगल में बैठा है, जिसको हम जानते तक नहीं, पर सेम इमोशन पे हम सब मिलकर हंसते हैं, सेम इमोशन पर हम सब मिलकर रोते हैं, एक तरीके से उस चीज़ का आनंद सिर्फ सिनेमा हॉल में ही आता है। तो प्लीज़ नक्काश आप 31 मई को रिलीज़ हो रही है, तो प्लीज़ अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए और प्लीज़ देखिए। तो हाल ही में मैंने ग्रीन बुक देखी थी, जिसको बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर मिला था, तो उसमें महर्षला अली जिन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला था ऑस्कर में इसी साल, इनफैक्ट 2 साल उन्हें लगातार कंजर्केटिवली बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है। उनका जो परफॉर्मेंस था इस फिल्म में, वो मुझे बहुत 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 पसंद आया, मतलब इतना ज़बरदस्त प्ले किया उन्होंने, और पूरी फिल्म इतनी खूबसूरत थी। ये एक है, और जो रोमा में जो उन्होंने प्ले किया बहुत बहुत ही ज़बरदस्त, इसलिए कि मुझे फिल्म तो मुझे मतलब जो कैरेक्टर मुझे राजी में आलिया भट्ट वाला जो कैरेक्टर था वो बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर भी था, मतलब हालांकि मैं अगर महिला होता तो मेरा मैं फिर बोलता मेरा ड्रीम रोल हो जाता, लेकिन बहुत अच्छे से किया भी है,
ये तो होगी हिंदी फिल्म की बात। और वेब पे मैंने एक बहुत अच्छा शो अभी देखा पिछले दिनों, ला कासा द पेपर, द मनी हाइस्ट, वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा थ्रिलर। तो ये दो चीज़ें अगर आप रैंडमली ऐसे ही पूछ रहे हैं तो याद आएंगे। और मेरे ख्याल से कामयाबी वही है कि अचानक एक साल बाद या कुछ समय अचानक कोई रैंडम आपसे कुछ पूछे तो जो नाम याद है इसका मतलब वो आपके जहन पे कहीं असर छोड़ गया।